या तू मेरे बल है ता क्या मुशंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपया, जा तेरा बंदा। हम अवगन भरे एक गुण नाही, अमृत छोड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा सिउ पीत लगाए। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत, ते मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन पले को मंदे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, बोलना जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। मेरे राम राय तू संतान का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम नहीं आवे नेरे। तेरे कवन कवन गुण कह के गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुम्हारी महिमा वर्ण न सकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, धन गुरु गरीब नवाज, सोही महला पंजवां। जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहूं मैं पाऊं, राख लियो ए बिखी ज्यों, देहो अपना नाओ। जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहूं मैं पाऊं, राख लियो ए बिखी ज्यों, देहो अपना नाओ। रहाओ जाते नाहीं को सुखी, ताके पछे जा
संग समाओ करो कृपा करुणा पते तेरे हर गुण गाऊं नानक की प्रभु बिनती साध संग समाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है अमृत वेले सतगुरु की पावन हजूरी विच दीवान सजे ने सजे दीवाना अंदर अमृत वेले नितनेम की बाणी तो उपरंत आसा जी वार का कीर्तन होया। हुणी हुणी आप जी ने पावन पवित्र शब्द जो अमृत वेले तख्तों के प्रकाशन होने वेले धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी की अपार बख्शिश हुई है शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी का यह पावन शब्द सुही राग विच 745 अंक ते सवाईमान है। सतगुरु जी ने अज सानू इस पवित्र शब्द राही संबोधन किया है कि सारा संसार सारी सृष्टि सारा देश माया के पसारे विच फसिया होया है, असी भी उस विच सारे फसे हैं। तो गुरुदेव पातशाह जी ने ये दुनिया के पसारे दुनिया के अंदर सतगुरु जी ने सानू बाहर कढ़न का यतन किया है कि तू रब्बी तिरंगा के नाल जुड़न का यतन कर, रूहानियत का ज्ञान हासिल कर, अज्ञानता के अंधेरे चों बाहर निकल। असल विच जो नज़र आ रहा ना हकीकत विच है कुछ नहीं। सारा जगत अज अज्ञानता के अंधेरे में छिड़ी क्यों खा रहे हैं, उसका मूल कारण यही है कि असी उस मालिक के पवित्र चरणों में अपने मन में एकाग्र चित होकर बाणी नहीं सुनते, उसके शब्द नहीं पढ़ते। अमृत वेले आसा जी वार का कीर्तन होंगे मन में वसाना साडा फर्ज है। अमृत वेले नितनेम की बाणी पढ़ी जाती है, अकाल पुरख वाहिगुरु के गुण गाउण दा कोई समा हुंदा, सुभा जीवन दा बदलना ही पवेगा। जिस दिन तेरे मन अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी उस दिन समझ आ जाएगी कि गुरु नानक दी संगत करिया ही आत्मक जीवन जिंदगी विच सुख प्राप्त हो सकता है। जदों तक तू अज्ञानता विच ठेडे खांदा रहा है उदों तक तेनों संसार दे पसारे दी समझ तां आउंदी रहेगी, पर रब के निरंकार की आकार की समझ नहीं आ सके क्योंकि वह भरमा करके तो परमेश्वर नाल टुटिया हो विकारां की जिंदगी विच ठेडी खाण वाले है। माया के पसारे ने सारा संसार अपने कलावे विच लै लिया। हरेक बंदा हरेक मनुख उहदे पवित्र चरणों की धूड़ मस्तक नूं लाउण वाला एकाग्र चित होकर सुरत जोड़ के रब की बंदगी ना जुड़े ना तो फिर अज्ञानता से अंधविश्वास जीवन में चला जाता है। अज लोड़ है गुरु के प्यारे तेनू समझण की, तू उस अकाल पुरख वाहेगुरु की बनाई हुई माया के गेड़ विच फस के अपने रब नू भुल जाना जिदे नाल प्रेमा भगती करके प्रेम करना सी उस तो अवैसला रह जाना है, पर यह दुनियावी जंजालों नाल जुड़ के रब नूं भुलिया बैठा है तो जिंदगी विच गलतान हो रहे हैं। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी विच गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बड़े सुंदर वचन कहे ने, कभी इन्हां पंक्तियां नूं ध्यान विच लिया के देखियो समझ आ जाती है कि उहदे चरणां विच किवें समर्पित होया जा सकता है। महाराज गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह सानू कह रहे हैं
गुर कृपा जी नर को कीने ते जुगत पिशानी नानक लीन पयो गोबिंद स्यों ज्यों पानी संग पानी करी ध्यान मारे स्थानिक अवस्था बनाई बन नहीं सकी अज्ञानता विच रह गई साहब कह रहे गुरु तेग बहादुर सच्चे पिता कर वचन कर रहे हैं गुर कृपा जी नरको की जिस दिन साडे गुरु ने साडे ते कृपा कर दी ना तो यह जुगत पछाणी और रब की जुगती का तां पता लगना जिवें प्यासे नूं प्यास बुझाउण की लोड़ पैंदी है ना जे वह कहे कि मैं खूह कोल चल के नहीं जाना मेरी इत्थे बैठे ही प्यास बुझा देवे यह किवें हो सकदा है खूह चल के प्यासे कोल नहीं आ सकता जिन्हों प्यास लगी जिसने अपनी प्यास बुझाने उन्होंने खूह ते जाना ही पवेगा। गुरदेव पातशाह इस तरह विस्तार पूर्वक जीवन कह रहे हैं गुर कृपा जी नरको कीनी ते यह जुगत पछाणी जिस दिन इस जुगती की सानू समझ आ जाएगी कि हे बंदिया तू उहदी जुगती नूं समझन की बजाय संसार दे नाल अपने मन में एकाग्र चित जोड़ के बह गए केवल दुनियावी धन की खातर दुनियावी मोह माया की खातर ऐसे गलतान हो ऐसे मोह माया के जाल फसिया है तेनों हुण बाहर कौन कढ़ सकदा है तो फिर गुरु जी का बचन कभी सुनेगा तेनों इस गल की समझ आ जाएगी गुरु कृपा जे नरको कीनी ते यह जुगत पछाणी फिर जुगती की समझ आ जाती है कि जीवना किवें नानक लीन पयो गोबिंद स्यों ज्यों पाणी संग पाणी फिर किवें दा बनना पवेगा साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब कहिंदे ने जिवें पाणी दा गलास किसी सागर विच कढ लिया जावे ते फिर वह पाणी उस सागर विच पा दिता जावे तो जे कोई मनुख कहे मैं उस पानी को कढ लवागा नखेड़ लवागा पानी को नहीं वो लीन हो गया है उदे विच मिक्स हो गया है उदी बराबरता हासिल कर गया। जदों धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इन पावन पंक्तियों इन बचनों असं सुनते हैं ना मन साडा एकाग्र चित होना चाहिए गुरु चरणों विच ते गुरदेव कहते हैं जिवें पानी विच पानी मिलाप हो के लीन हो गया ना इस तरह गुरु के प्यारे तेनों भी रब विच इस तरह लीन होना पवेगा जिवें पानी विच पानी मिक्स हो गया फिर देखी जिहड़ी गल करेगा जिहड़ी बेनती करेगा उहदे चरणों विच जो अरदास करेगा तेरी प्रवान कर लवेगा क्योंकि अजे तक तेरे कोलों अवस्था नहीं बनी भड़कना विच पै के परमात्मा के नाम नाल टुटिया होया है अंध विश्वास अज्ञानता तेनों रब के नाम तो दूर ले जा रही इस करके जिस दिन तेनों इस गल की जुगती की समझ आ जाएगी कि मेरे कोल शरदा बहुत ज़्यादा सी पर मेरे कोल ज्ञान नहीं सी शरदा करके मैं मड़िया मसाना ते देवी देवत्या ते पत्थरां दीयां पूजावां करी जाना भेटा चढ़ाई जाना पर शरदा करके नहीं शरदा बहुत है पर कोल ज्ञान नहीं गुरु दे प्यारे जे ज्ञान होंदा ते समझ लैंदा कि मैं मत्था टेकना कित्थे है मैं किस गुरु को मंगना कुछ मैं किसी शरण में जाके अपनी इस अज्ञानता के अंधेरे का चोला उतारना वो तो केवल गुरु ही उतार सकता गुरु समर्था का मालिक है इस करके उन्होंने बाबत बाणी वचन आते हैं सतगुरु निरंकार तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुम्हारी महिमा बर न सकूं तू ठाकुर ऊंच भगवाना तेरी कोई महिमा बयान नहीं कर सकता तू इतना महान है इतना दयावान है इतना संसार की प्रतिपालना करने वाला है कदम कदम ते तू संसार में वरजदा रहना पर तेरे
पावन चरणा नाल जिहड़े मन जुड़ जाते हैं जिहड़े एकाग्र चित हो जाते हैं ना उन्होंने जुगती की समझ आ जाती है। संसार विच श्रद्धा करके तू रब नाल मिलाप नहीं कर सकता। जिस दिन श्रद्धा के नाल तेरे कोल ज्ञान आ जाएगा ना फिर तेरी अज्ञानता का अंधेरा मिट जाएगा। गुरु के पवित्र जोत हिरदे विच जग पवेगी। लोड़ है अज अंदर खोज करन दी, भड़कन की लोड़ नहीं। निरंकार अंदर वसिया जा तेरे हर वक्त अंदर रहिंदा, पर लोड़ है तेरे अंदर निम्रता के गुण पैदा होने चाहिए कि मैं गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में किवें जाना, मैं उसकी संगत किवें करनी है, मैं अपनी जिंदगी के अज्ञान का मकसद किवें त्यागना जगत में। धन गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में जुड़न वाले हो कभी मन की भावना करके तुसीं गुरु ग्रंथ साहब के बाबत सोचियो मन में बह के असल में इस पावन पवित्र बाणी में गुरु का ज्ञान छुपया होया है। जो जो इन पढ़ते हैं जो जो इन सरवण करते हैं जो जो इन्हें अगे सिर झुकाते हैं उन्होंने चानना हो जाता इस गल का, उन्होंने पता लग जाता कि प्रतख रूप में निरंकार की बाणी है। इस करके महाराज ने कहा तुरकी बाणी आए तिन सगले चिंत मटाए। वो दरगाह तो आई हुई बाणी सारे जगत के दुख दूर कर रही, सारे संसार के भरमान विचालों में बाढ़ कड़ रही। अज लोड़ है साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से श्रद्धा रखो, पर नाल ज्ञान भी होना चाहिए कि मेरा मत्था मेरा सिर किस गुरु अगे झुकना चाहिए। मैं बड़िया मसाना से पत्थरों की पूजा करी जाने धागे तवीजा वाले साध पखंडियों के चरणों में मत्था टेकिया ने, इस गल की तेन समझ नहीं आई। जिस दिन समझ आ जाएगी ना तो फिर सतगुरु जी भी कहते हैं, वो यही गल समझाते हैं सानू गुर बिन घोर अंधार, गुर बिन समझ न आवै। गुरु तो बिना घोर अनेरा तो समझ नहीं आती। अनेरे विच गुरु के प्यारे भावें लाठियां मारी जाओ कुछ भी करिए अनेरा जाता नहीं, पर जदों असी दीपक जगा दें बत्ती जगा दें मोमबत्ती जगा दें फिर पता की होंगे अनेरा चला जाता है तो चानना पैदा हो जाता। गुरुदेव पिता ने इस संसार को इस करके वरजिया कि तू अपने हिरदे रूपी जीवन में अनेरा रह के दुनिया में घूम रहे हैं, कभी गुरु के ज्ञान की दीपक भी जगा के देख तेरे अंदर उसका प्रकाश हो सकता है। तेन समझ नहीं ना मैं मत्था टेकना सी केवल मत्था टेकन तक सीमित रह गया, उसकी गल सुन का तेरे को समय ही नहीं। केवल मत्था टेकन तक ही आप सीमित रह जावे तो फिर अज्ञानता का अंधेरा खत्म नहीं हो सकता। गुरु के प्यार मत्था तो तू जिथों मर्जी बैठ के टेक सकता, पर याद सच जाने जिस दिन तू मत्था टेकन के नाल अपने आप को गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में समर्पित कर देवेगा ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, फिर उसका कार्य बन जाएगा, फिर वो सहाई हो जाएगा। तो अज के पवित्र शब्द राही सानू गुरु अर्जन देव पातशाह जी की कह रहे हैं, आओ मन बिरतियां एकाग्र चित करिए रहाओ दे बंद विच। धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अज अमृत वेले तख्तों पर प्रकाशमन होने वेले जो पावन शब्द बख्शे है इस शब्द को अपने हिरदे में वसाउण का जतन करिए। गुरुदेव की कह रहे हैं, आओ सरवण करो मन बिरतियां एकाग्र चित करते हुए आखो सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जिन मोहे ब्रह्मांड खंड ताहूं मैं पाऊं। इत्थे गुरुदेव कहिंदे ने इह प्रभु जिस माया ने सारी सृष्टि ते सारे देश नूं अपने प्यार विच फसाए होए आ, राख लियो ए बिखे ज्यों देओ अपना नाम। उस माया दे वस विच मैं भी पिया होया, हे प्रभु मैनू अपना नाम बख्शे ते मैनू इस विकारी जीव नूं माया दे हत्थों बचा लै। गुरु दे प्यारियो जिहड़े बेबर हो जांदे ने जिहड़े अवस्था चंगी बना लैंदे ने जिन्हां दा जीवन चंगा बन जांदा है वो चंगे जीवन वाले इस धरती ते
उस निरंकार के घर प्रवान हो जाते। इतिहास के पन्ने पढ़ते हैं ना कई बार, तो धर्मपुत्र युधिष्ठिर दुर्योधन गुरु के प्यारे लोग धर्मपुत्र युधिष्ठिर संसार के अंदर कुंती पुत्र कई कुछ कह के बुलाते हैं प्यार दे नाम। पर दुर्योधन के नाम नालों जिंदगी के विकार जुड़े हुए, हुण संसार विच ड्यूटी ला दित्ती। एक पासे धर्मपुत्र युधिष्ठिर की कृष्ण भगवान ने ड्यूटी लाई, दूजे पासे दुर्योधन की। दुर्योधन नूं आख्या जा दुनिया विच कोई सच्चा ते उच्चे जीवन वाला बंदा लभ के जा। एक घर घर जाके फिरदा रहा, दूर दरेडे तक घूमता रहा दुर्योधन, पर इनू सच्ची बिरती वाला कोई भी मनुख नहीं लभ्या, क्योंकि सारे इहदे वर्गे मिलते रहे। हुण महाराज ने बाणी विच भी वचन किया, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, वो जिवें दी कोई दृष्टि धारण करता उवें दा बन जाता है। जे विकारी दे राह ते तुरंगे ते विकार पैदा हो जाएंगे, जुआरी दे राह ते तुरंगे ते जुआरी बन जावांगे, ठगी मारन वाले दे राह ते तुरंगे ते ठगियां मारन वाले बन जावांगे। ते जदों गुरु नानक दी संगत विच आउण वाले बंदे नाल आपां जुड़ के परमात्मा दे घर विच आवांगे ना, तो फिर सतसंगी बन जावांगे। संसार विच गल के बले है, जिवें दा कोई जीवन जीवन धारण करता उवें दा बन जांदा है। इस करके महाराज ने बाणी विच कहा, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, जिवें दी कोई दृष्टि धारण करता उवें दा बन जांदा है। जिहदी दृष्टि चंगी है ना, उहनां दा जीवन पढ़ के देखियो। धर्मपुत्र युधिष्ठिर दूजे पासे भेज दिता कृष्ण भगवान, कहन लगे जब दुनिया च कोई विकारी बंदा लभ के जा। दोनों पासे ड्यूटियां गलत ला दित्तियां। दुर्योधन दा जीवन माड़ा सी, उन्हों चंगा पुरख लभण वास्ते भेज दिता, तो धर्मपुत्र युधिष्ठिर दा गुरु के प्यारे जीवन चंगा सी, उन्हों दूसरे पासे तोड़ दिता। हुण ये प्रीक्षा की घड़ी होंदी है संसार विच, जिहड़े रब की प्रीक्षा च पास हो जाते हैं गुरु नानक की संगत में आ जाते हैं। जदों गुरु के प्यारे ध्यान मारियो, दुर्योधन चारों पासे घूम फिर के शाम को वापस मुड़िया है, तो दूजे पासे धर्मपुत्र युधिष्ठिर भी आ गए। कहन लगे, पूछया कृष्ण भगवान, कहन लगे धर्मपुत्र युधिष्ठिर दसना करो, कोई माड़ा मनुख जिहड़ा तुहानूं भेजिया सी लैण वास्ते लियाए? कहन लगे कृष्ण भगवान, कहन लगे महाराज साढ़े ते कृपा करो, मैनूं दुनिया दे विच कोई माड़ा मनुख मिले ही कोई, क्योंकि उहदी दृष्टि चंगी सी। दुर्योधन दे वल इशारा किया कृष्ण भगवान, कहन लगा तू दसना कर। दुर्योधन कहन लगा मैनूं कोई चंगा व्यक्ति टकरे, कला कलेश वाले भैड़ी मत वाले लोग मिलते। गल केवल यह सी कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर की दृष्टि चंगी सी, वो चंगे कर्मां दा भागी सी, उहदे रब दे घर विच प्रवान हो गया, ते दुर्योधन की दृष्टि माड़ी सी, रब दे घर तों निकालिया गया। गल केवल इतनी है, जिहड़े आत्मक जीवन करके गुणां नूं हासिल करदे ने ना, उहनां दे हिरदे विचों अज्ञानता चली जाती है, तो गुरु का ज्ञान प्रगट हो जाता है। इत्थे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु अर्जन देव महाराज यही गल कह रहे हैं कि भाई उस माया के वस विच पै मैं भी पिया होया हाँ, प्रभु मैनू अपना नाम बख्श, तो मैनू इस विकारी जीव नू माया के हथों बचा। हुण गुरमुख प्यारे उही दुर्योधन सी जिसने भरे दरबार में द्रौपदी को नगन करने वास्ते हुक्म दे दिते सन, क्योंकि वक्त का बादशाह सी। कहन लगा देखना इहदा रब इहदी राखी किवें करदा है, इसनों भरे दरबार में नगन किया जाए द्रौपदी। कारण केवल यह सी, उत्थे रब की चेते आ गई सी द्रौपदी, जो ध्यान मारिया सारे दरबार में सिर झुका के बैठे ने दुर्योधन अगे, कोई भी युद्ध नहीं करता, कोई भी हिम्मत नहीं दिखाता कि द्रौपदी की राखी कर सके। इस द्रौपदी के मन में एकाग्र चित हो के सुरत जोड़ गई रब नाल। महाराज ने बाणी में वचन किया, पंचाली को राज सभा में राम नाम शुद्ध आयो। पंचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी नूं परमात्मा की चेती आ गई। कहन लगे दुर्योधन का दरबार है थले जिथे मैं खलोती हाँ, पर मेरे मालिक का दरबार तो उपर है ना, मैं उहदे दरबार में उहदी कचहरी में अरदास करनी हाँ।
मन जुड़ गया, एकाग्रचित हो गया। दुर्योधन वस्त्र उतार उतार के थक गया, पर द्रौपदी नूं नगर नहीं कर सकिया। भगवान ने एड्डी बड़ी कृपा की सी, जिहड़े उहदे नाल जुड़दे ने उहनां नूं तत्ती हवा नहीं लगन दिंदा, पर जिहड़े उहदे नाल टुटदे ने उहनां विकारां दी जिंदगी विच ठेडे खाण लग पैंदे, उहनां नूं कोई दुनिया ते बचा नहीं सकदा। इस करके प्रभु दे चरणां विच अरदास करदे आ, जी सारा जगत यही अरदासां कर रहा है। करोना वायरस करके कितने लोग घर विच बैठे हुए, कितने कारोबार ठप हो गए जीवन दे। इहदा कारण केवल कि रब की रजा है, रब का हुक्म है, उहदे भाणे विच सारे नूं चलना ही पवेगा। कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बाणी का फैसला है, तुद बिन दूजा ना ही कोए, तू करतार करे सो होए, तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एक। एक दी आराधना करके देख, तेनों अपने आप ही समझ आ जाएगी कि वो तो बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता धरती। सारी कायनात का मालक केवल अकाल पुरख है। तो अज के पावन शब्द राही अखेरलियां पंक्तियां गुरु जी ने वचन किए ने, जाते नाही को सुखे तै पछ जाओ। ये प्रभु मैं भी उस माया के पिछे मुड़ मुड़ जाता हाँ, जिस पासों कोई भी कदे सुखी नहीं होया। जगत में किसी ने सुख मिले, वे वे धनाड़ धनंतर राजे दुनिया से चल गए, मेरी मेरी कैरो करते दयोदन सिपाही, बारह जूजन छत्र चले थां देही गिरजन खाई, सर्ब सोयन की लंका होती रावण से दिखाई, कहाँ पयो दर बांधे हाथी खिन मैं पई पराई। सोने की बनी हुई लंका, ऐ महल बाड़ियां विच रहन वाले नौकर चाकर कितनी टहल सेवा करने वाले सन, उत्थे रावण दे अज मड़ी ते कोई दीवा बत्ती जगाउण वाला भी नहीं बचिया। सोने की लंका विच रहन वाले एक लख पूत सवा लख नाती, तै रावण घर दिया ना बत्ती, अज उहदी मड़ी ते कोई दीवा जगाउण वाला भी नहीं बचिया। माफ करना है, गुरु नानक दे घर ने जगत में जिथे भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, झूठ का निशान जिथे नज़र आएगा ना, उत्थे रहन वाले रात बसेरा मिलता है, खाण वास्ते भोजन मिलता है। गुरु के प्यारे सतसंगत की घड़ियाँ प्राप्त होंदियां ने। यह दर ऐसा है जिहड़ा दुनिया के अंदर संसार में महान रूहानियत का केंद्र बन चुका है। ये गुरु नानक का घर है। इत्थे जैनी आवे, बोधी आवे, हिंदू आवे, कोई भी आवे, इत्थे किसी ने मनाई नहीं, सब उहदे चरणां विच आण के समर्पित हो सकते। वो सारिआं वास्ते एक समान है, किसी नूं वैर नहीं करता, किसी की विरोधता नहीं करता। वो अज्ञानता दे अंधेरे विच बंदे नूं कढ के गुरु के प्रकाश वालिया किरणा नाल जोड़ दिंदा। ते जदों रब दीआं किरणा साडे जीवन ते पैंदीआं ने ना, जिवें समुंदर तट विच देखिआ जावे, समुंदर दीआं लहरां जदों उठदीआं ने ते वो ये सोचदियां रोज़ ठेडे खाण की बजाय असी समुंदर विच बाहर क्यों ना चले जाइए। माफ करना गुरु के प्यारे, ध्यान करो इस गल का, समुद्र दीआं लहरां जदों उछाला पैंदा ना ते पत्थर दीआं चट्टानां दे नाल टकरा के समुद्र का पानी फिर उस लहरां उहदे विच समा जांदियां ने पानी च। उहनां नूं पता है कि साडा पानी तो बिना कोई गुजारा नहीं, साडी जिंदगी नहीं। ये मनुख तुम्हें विकारा की जिंदगी का त्याग करके ठोकर खाता होया, जिस दिन गुरु नानक के चरणों में आ जाएगा ना, तो तेरा समुद्र की तरह परमात्मा के चरणों में मिलाप हो जाएगा। तेरा जिमें लहर समुद्र को छड़ नहीं सकदियां, इस तरह सिख भी गुरु नानक के घर में छड़ नहीं सकता। अखीरली पंक्ति में गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे हैं, छोड़ जाए जो सगल को फिर लपटाओ। जिवें साहब जी ने वचन किया, मैं भी उस माया के पिछे मुड़ मुड़ जाता हाँ, जिस पासों कोई बंदा सुखी नहीं होया। मैं मुड़ मुड़ उन्हां पदार्थों नाल चमड़दा हाँ जो आखिर सभना छड़ जाते हैं संसार में। मनुख ने चला जाना, धरती से रह जाने सारे, कितने कितने करोड़ों अरबों पति लोग ने जड़े बैंकों के खाते भरे हुए ने, तो पता नहीं कदों अखा मीट के संसार तो चले जाने।
सब कुछ इस धरती ते रह जाना, कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जाना। ते फिर सतगुरु जी ने कहा कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। राजा भी झूठ है, प्रजा भी झूठ है, संसार भी झूठ है, फिर सच की है? उसका नाम ही है ना, जिन्हों जप लावे तो उसके चरणों प्रवान हो जाए। गुरु के प्यारे धर्म पुत्र युधिष्ठिर की दृष्टि चंगी सी, कृष्ण भगवान के चरणों में प्रवान हो गया। दुर्योधन की दृष्टि माड़ी सी, रब के चरणों तो नकारिया गया। जेडे चंगे मार्ग से तुरते हैं ना, उन्हों की वडियाई होंगी जगत में। सच्चे मार्ग चलते हैं उस्तत करे जहां। तो गुरुदेव पातशाह जी इतने वचन कर रहे हैं कि उन्होंने पदार्थों के नाल चमड़िया हैं जो आखिर सबनों छड़ जाते हैं। कि आखिरी पंक्ति में साहब जी की कह रहे हैं, सरवण करी उपरंत समाप्ति है, छोड़ जाए जो सगल को फिर लपटाओ। मैं बार बार वो लंपदा फिरता, वो चिमड़ता फिरता हूँ उस विकारा में। इस करके तू उन्हें पदार्थों में चिमड़ता है, आखिर जिन्होंने छड़ के तेन दुनिया तू चले जाना। करो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ। इत्थे गुरुदेव पातशाह जी ने बड़े सुंदर वचन कहे ने अखीरलियां पंक्तियां च, हे तरस दे मालक, ये रहमतां दे फरिश्ते हरी मेरे उत्ते मेहर कर, मैं तेरे गुण गाँदा रहा जगत विच, मेरे ते कृपा कर। साहब जी ने वचन किया ना, करो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ, नानक की प्रभ बेनते साध संग समाओ। इत्थे सतगुरु जी ने अखीर विच कहा, ए प्रभु तेरे सेवक नानक दी तेरे अगे ये बेनती है कि मैं साध संगत विच टिकया रवां, मेरा मन जुड़िया रवे, मैं अमृत वेले दी संभाल कर सकां। केवल यही तेरे को मंगदा हूँ। तो जिस दिन तू इस समय की संभाल कर लवेगा ना, उस दिन तेरा मिलाप भी गुरु नाल हो जाएगा, क्योंकि गुरु उड़ीकदा है ते आवाजा मारदा है, आवो सिख सतगुर के प्यारियो, गावो सच्ची बाणी। आवो सारे जने रल मिल के उहदी सच्ची बाणी नूं गाउण दा जतन करो। जिंदगी का सिद्धांत केवल मनोरथ साडा तां पूरा होणा है जे असी अपने मन विच उस प्रभु परमात्मा दे गुणां नूं हासिल कर लवांगे, तां ही साडी जिंदगी का उधार है। इस करके महाराज कहिंदे ने, तेरे सेवक नानक दी तेरे अगे ये बेनती है कि मैं साध संगत विच टिकिया रवां, मेरा मन तेरे चरणों विच अर्पण हो जाए, तो मैं अंधविश्वास अज्ञानता तो उपर उठ के तेरी शरण में अपने जीवन में प्रवान कर लवां। यही जिंदगी का मनोरथ है। आओ समय के मुताबिक समाप्ति है, हुई भुला साध संगत गुरु साहब बख्शन योग ने, मन बिरतियाँ एकाग्र चित करिए, सुरत गुरु चरणों में जोड़िए, कोई भी रसना वांझी न रहे, प्यार ते सत्कार का सबूत देते हुए सतगुरु जी के चरणों में हाजिरी भर के अपना जन्म सफला कराया करो। यही जिंदगी का मनोरथ है, केवल तो केवल गुरु के चरणों में समर्पित हो जाना, तो गुरु की मत को ग्रहण करना साडे लिए एक परोपकार जीवन वर्गा एक महान जीवन बन सकता है। जिस दिन असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देवे, अमृत छक के गुरु वाले बन जावे, तो गुरु की मत को ग्रहण कर लवेंगे, यही साडा जीवन का जिंदगी का सिद्धांत है। और तो परम ते भुलेखा बनया रहना सारी उम्र जीवन में। आओ इतनी बेनती करता है दास, खिमा का जाचक हाँ, हुई भुला साध संगत गुरु साहब बख्शन योग ने, मन बिरतियाँ एकाग्र चित करते हुए प्यार के सत्कार आखो, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।